हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल एंड वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिशरी साइंस का, और एक्वाकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेसिकली ये एक्वाकल्चर का बेस है। क्योंकि एक्वाकल्चर कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वाटर, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कल्चर हम तभी कर पाएंगे जब वहाँ का सॉइल बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होगा और वाटर क्वालिटी ऑप्टिमम होगा। चलिए बात करते हैं कि आप इसमें है क्या क्या। तो बेसिकली पहला आता है इंपॉर्टेंट साइट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कल्चर करने वाले हैं। ठीक है, एक्वा कल्चर के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया देखते हैं कि वहाँ पे हमें कल्चर करना है, तो वहाँ पे वो साइट कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, वाटर हमेशा वहाँ पर मिलते रहना चाहिए और सॉइल कंडीशन बहुत ही ऑप्टिमम होना चाहिए। सॉइल कंडीशन अच्छा हो ताकि वहाँ पर हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्शन कर सकें एक्वा कल्चर के लिए। ठीक है, तो जो बेस्ट सॉइल माना गया है एक्वा कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है क्लेई लोम। तो ऐसी जगह जहाँ पे क्लेई लोम सॉइल मिले वहाँ पे हम अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो बेस्ट साइट होता है। ठीक है, और वहाँ पे वाटर अवेलेबल होना चाहिए। वाटर अवेलेबल इन द सेंस कि ऑप्टिमम वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ऑप्टिमम क्वालिटी का वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वाटर पैरामीटर जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए एक्वा कल्चर करने के लिए। ठीक है, अब बॉटम सॉइल्स के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें के नहीं होनी चाहिए। तो अनडिजायरेबल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये टर्म समझते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। ठीक है, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आयरन सल्फाइड की बात किया है। ठीक है, ये क्या होता है कि अब आयरन सल्फाइड बनता कैसे है, तो क्या होता है कि सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉन्ड वाटर में सेडिमेंट्स के रूप में सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि डी सल्फो वाइब्रिक डीसल्फ्यूरिकेंस। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि सल्फेट को आपका सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक, डी सल्फो वाइब्रिक डीसल्फ्यूरिकेंस, ओके, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये कन्वर्ट करता है सल्फेट को सल्फाइड में, और यही जो सल्फाइड है वो वापस ऑक्सीडेशन जब उसका होगा, ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करके वो आपका एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट होगा वो रिएक्ट कर जाता है फेरिक या फिर फेरस के साथ। ठीक है, और वो फॉर्म कर लेता है आयरन पायराइट। ठीक है, पायराइट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, तो ये पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स था। ठीक है, ये ऐसे इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ये पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके पॉन्ड में प्रेजेंट हैं एसिड सल्फेट सॉइल्स तो क्या होंगे, फर्दर ये ब्रेक डाउन करेंगे वाटर की अवेलेबिलिटी में और ये एसिडिक सॉइल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो आपका जो पॉन्ड वाटर है उसका पीएच जो है वो कम कर देंगे, एसिडिक पीएच बना देंगे ये। ठीक है, फिर बात करते हैं सलाइन सॉइल की। सलाइन सॉइल नहीं होना चाहिए। हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, देखिए ऑर्गेनिक मैटर जरूरी है पॉन्ड के, ठीक है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल पे। हाई ऑर्गेनिक मैटर जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पॉन्ड में हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो वो आपके पॉन्ड का बीओडी बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो जो बैक्टीरियल एक्शन है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक्शन बढ़ जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर्स पे। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा ये ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा इसमें, ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और प्लस ये ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा। ठीक है, यानी कि आपके पॉन्ड वाटर जो पॉन्ड एनवायरमेंट है उसका ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये बीओडी पे बहुत असर पड़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, डीओ कम हो जाएगा, बीओडी एंड डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो डीओ कम हो रहा है उस एनवायरमेंट का। ठीक है, फिर एक्सेसिव पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए। पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए मतलब ज़्यादातर लीचिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी वाटर, मतलब ज़्यादा परकुलेट ना कर पाए अंदर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए बॉटम सॉइल की। ठीक है, इसलिए हम लोग क्लेई लोम का यूज़ करते हैं। क्लेई सॉइल के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन सैंडी सॉइल वाटर लीच करवा देता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट लीचिंग कैपेसिटी होती है सैंडी सॉइल के पास, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है या फिर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्लेई सॉइल के पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि पुअर क्वालिटी वाटर क्या क्या है। तो हाईली एसिडिक पुअर क्वालिटी है, हाईली अल्कलाइन पुअर क्वालिटी है। बोथ एसिडिक एंड बोथ हाईली अल्कलाइन, ये दोनों कंडीशन ही बहुत बुरे हैं पॉन्ड एनवायरमेंट के लिए, इसलिए ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम कंडीशन ही अच्छा होता है। ठीक है, टर्बिड नहीं होना चाहिए। टर्बिड मतलब धुंधलापन। ठीक है, जब आपके सेडिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से धुंधलापन आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके पॉन्ड में अगर ज़्यादातर प्लैंकटन ग्रोथ है तो उसकी वजह से भी ये टर्बिडनेस आ जाती है। ठीक है, हाई बीओडी, हाई बीओडी मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर आपके पॉन्ड में ज़्यादा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा और डीओ कम हो जाएगा। ठीक है, डीओ विल डिक्रीज एंड बीओडी विल इंक्रीज। ओके, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, सिमिलर केस, ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा बीओडी बढ़ जाएगा और डीओ कम हो जाएगा। हाई इन सस्पेंडेड सॉलिड्स और पॉल्यूटेड विथ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर केमिकल, ये सब अगर पॉल्यूशन रहेगा तो जाहिर सी बात है आपके जो भी ऑर्गेनिज्म आप जिस जो कल्चर कर रहे हैं वो उसका वो डेथ हो जाएगा। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ठीक, फिर आते हैं हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू एक्सेसिव ऑर्गेनिक
मैन्योरिंग एंड फीड वेस्टेज लीड टू पुअर वाटर क्वालिटी। सही बात है, ठीक है। अगर ज़्यादातर मैन्योरिंग किया होगा ठीक है, अर्मी मटर ज़्यादा होगा तो वही सेम केस है, BOD बढ़ जाएगा, DO कम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, पहले हम लोग डील करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, ठीक है, क्राइटेरिया। तो पहले हम लोग वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया से डील करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉइल पे जाएंगे, ठीक है। पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा समझेंगे, और ठीक है। अब आते हैं वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया इन एक्वाकल्चर, ठीक है। तो वाटर का बहुत एसेंशियल रोल है, ठीक है। एक्वाकल्चर नाम में ही एक्वा आ जाता है, एक्वा मतलब वाटर है, ठीक है। तो एक्वा एनवायरमेंट मतलब कि वाटर वाला एनवायरमेंट, ठीक है। तो वाटर का ऑप्टिमम पैरामीटर होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एक्वाकल्चर तो इन्फ्लुएंस ग्रेटली ऑन इट्स ग्रोथ, ठीक है। जैसा वाटर रहेगा उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, ठीक है। जैसे कि वार्म वाटर फिशेज हाई टेम्परेचर को प्रीफर करती हैं, कोल्ड वाटर फिशेज लो टेम्परेचर प्रीफर करती हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है वाटर में, वाटर का DO होना चाहिए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है वाटर में, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, पहले बात करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑप्टिमम DO जो पॉन्ड वाटर का होना चाहिए वो है 5 mg/L, ठीक है, 5 ppm, ठीक है। अ फिश माइट सर्वाइव इफ़ इट इज़ लेस देन 0.5 ppm, ठीक है, 0.5 ppm, लेकिन वो कुछ घंटे के लिए ही सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो फिश स्ट्रेस में जाएगी, और फिश स्ट्रेस में जाएगी तो उसको मतलब कि वो अपने डेथ की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीजन लेवल में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन मेंटेन नहीं किया तो फिश मर जाएगी, ठीक है। एवरेज कंडीशन की बात करें तो 3 से लेकर 5 तक वो सर्वाइव कर सकती है, और ठीक है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। तो ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी तरह टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि फिश का अपना हैबिटेट होता है, ठीक है। कुछ फिशेस वार्म वाटर को प्रीफर करती हैं, कुछ फिशेस कोल्ड वाटर को प्रीफर करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी फिशेस होती है जो दोनों वाटर में रह सकती हैं, पर ऐसी मतलब जो हमें एक्चुअली अपने कल्चर के हिसाब से फिश को टेम्परेचर का कंडीशन देना होता है, ठीक है, उनके हैबिटेट के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि कोल्ड वाटर फिशेज़ का है वो है 14 to 18 degrees Celsius, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोल्ड वाटर फिशेज़ का टेम्परेचर 14 to 18 degrees Celsius है, और वार्म वाटर फिशेज़ का 24 to 30 degrees Celsius है, ठीक है। फिर DO लेवल का कंसेंट्रेशन के हिसाब से दिया हुआ है कि अगर DO लेवल लेस देन 1 है तो लीथल है, मतलब कि फिश का डेथ हो जाएगा। 1 से 5 तक है तो फिश सर्वाइव करेगी, बट पुअर ग्रोथ, ठीक है। 5 ppm ऑप्टिमम होता है, उस पर ग्रोथ हो जाएगा, अच्छा ग्रोथ होता है, ठीक है। और ग्रेटर देन 5 है तो नॉर्मल सर्वाइवल और ग्रोथ होता है, ठीक है। तो 5 ppm इज़ द ऑप्टिमम DO लेवल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश इन एक्वाकल्चर, ओके। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे, जितना ज़्यादा उसको डिकम्पोज करेंगे उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा आपका DO पॉन्ड इन्वायरमेंट या एक्वाकल्चर इन्वायरमेंट का DO कम होते जा रहा है, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 10 to 20 ppm है, 10 to 20 ppm इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन एक्वाकल्चर, ओके। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आसान भाषा में बोला जाए तो धुंधलापन, ठीक है। आप इंस्टाग्राम को देखिए, 3 जार रखे हुए हैं, ठीक है, पहले वाले का पानी प्योर है थोड़ा, ठीक है, दूसरे वाले में हल्का ओपेक है, और तीसरे वाले में पूरा ही ओपेक हो चुका है, ठीक है, यानी टर्बिड कंडीशन है, धुंधलापन दिख रहा है आपको, ठीक है, वाइटिश वाइटिश हो गया पूरा, ठीक है। तो टर्बिडिटी क्यों होता है, बेसिकली ये सस्पेंडेड सॉल्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं पॉन्ड इन्वायरमेंट में, उनकी वजह से ये टर्बिडनेस आ जाती है, ठीक है। प्लस प्लैंक्टोनिक ग्रोथ की वजह से होता है, और हाई ह्यूमस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको मेजर कैसे, सैचिडिस से इसको मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, तो कितना ऑप्टिमम होना चाहिए, तो 40 टू 60 सेंटीमीटर का विजिबिलिटी रेंज अगर आप सैचुरेटेड डिस्क में देख रहे हैं तो आपकी पॉन की टर्बिडिटी, ठीक है, ऑप्टिमम है, ओके। अब बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है। तो फिश आर वेरी सेंसिटिव टू अमोनिया, ठीक है, और वो भी कौन सा अमोनिया, तो अनआयोनाइज्ड अमोनिया, ठीक है, ठीक है। अमोनिया में भी तरह का आयोनाइज्ड अमोनिया भी होता है, अनआयोनाइज्ड अमोनिया होता है। जो अनआयोनाइज्ड अमोनिया होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अनआयोनाइज्ड अमोनिया जो है इट्स वेरी टॉक्सिक टू फिश, ठीक है, एंड फिश इज़ वेरी सेंसिटिव टू अनआयोनाइज्ड अमोनिया, ओके। सो ऑप्टिमम रेंज जो इसका अमोनिया का है आपके पॉन्ड एनवायरमेंट के लिए वो है 0.02 to 0.05 mg/L, ओके। अब बात करते हैं
अब ये कि अमोनिया आप फिश के लिए हार्मफुल कैसे है, तो अमोनिया हार्मफुल ऐसे है कि अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर देता है फिश के अंदर, ठीक है। और टॉक्सिसिटी बढ़ेगा तो ये स्ट्रेस कॉज करेगा, स्ट्रेस कॉज करेगा और गिल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है, तो फिश का डेथ हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले बात तो मन में सवाल आएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड आया कहाँ से, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आया, तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज हुआ, ठीक है। आपके जो पॉन्ड एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वहाँ से ये हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हुआ, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 0.01 mg पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। 0.01 इज़ द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये फिश अपनी जो है वो लीथैलिटी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन सल्फाइड का कंसंट्रेशन है वो 0.01 से कम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0.01 mg/L पे देखा गया है कि फिश लूज इट्स इक्विलिब्रियम एंड सब्जेक्टेड टू सबलीथल स्ट्रेस, ओके। अब बात आता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को आप पॉन्ड से रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन है एरेशन करके, ठीक है। एरेशन करेंगे तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये बाहर चला जाएगा पॉन्ड एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो एरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या है, बेसिकली पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मेजर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इन वाटर इज मेजरिंग ऑफ द पीएच, ओके। तो अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक पीएच की तरफ जा रहा होता है, 7 से ऊपर है तो बेसिक पीएच की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो बोथ हाईली एसिडिक एंड हाईली बेसिक पीएच इज़ हार्मफुल फॉर फिश, फिश या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म आप कल्चर कर रहे हैं उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच जो पॉन्ड एनवायरनमेंट के लिए है वो है 6 to 9, 6 to 9 इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द पॉन्ड एनवायरनमेंट। पॉन्ड एनवायरनमेंट में अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है तो पीएच को हमें 6 से 9 रखना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टेबल में दिखा रहा है कि पीएच 4 है, एसिड डेथ पॉइंट है, 4 to 6 स्लो ग्रोथ है, 6 to 9 बेस्ट फॉर ग्रोथ है, ओके। 9 to 11 पे भी स्लो ग्रोथ है या फिर लीथल टू फिश है, 11+ एल्कलाइन डेथ हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कलिनिटी की, ठीक है। तो बेसिकली एल्कलिनिटी क्या है कि जो भी आपके बेसिस प्रेजेंट है, टोटल बेसिस जो आपके पॉन्ड में प्रेजेंट है, बेसिस, ठीक है, बेसिस जिनकी एबिलिटी है कि वो एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं या एसिड को पॉन्ड से रिमूवल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। वो एसिड से रिएक्ट करके उसका एसिड को कम कर सकते हैं पॉन्ड में, ठीक है। तो टोटल जो बेसिस का कंसंट्रेशन होता है आपके पॉन्ड एनवायरनमेंट में वो एल्कलिनिटी है, ठीक है। एल्कलिनिटी और हार्डनेस में आप बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स की बात करता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली एल्कलिनिटी क्या है, उसमें आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तीनों को लेके बात किया जाता है, ठीक है। और ये टोटल बेसिस का कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है। और वहीं हार्डनेस जो है वो टोटल मेटल आयन का कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है। मेटल आयन Mg+2 एंड Ca+2, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हार्डनेस बताता है और एल्कलिनिटी क्या बताता है, टोटल बेस का कंसंट्रेशन बताता है, ओके। तो एल्कलिनिटी की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो है 60 to 300 mg/L, ठीक है। और हार्डनेस की जो ऑप्टिमम वैल्यू है ये 40 mg/L, ठीक है। 40 mg/L से ज़्यादा होना चाहिए हार्डनेस, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 40 है, उससे ज़्यादा होगा तो हार्डनेस अच्छा है, ठीक है, पॉन्ड के लिए, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉन्ड एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे O2 है, ऐसी CO2, लेकिन जो O2 का कंसंट्रेशन था वो DO लेवल जो था वो था कि 5 ppm से ऊपर होना चाहिए या 5 ppm ऑप्टिमम था, ठीक है। लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो 5 ppm से बिलो होना चाहिए, बिलो 5 ppm होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, क्योंकि सिमिलरली जैसे ह्यूमंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है हमें और कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में उसी का, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, रिस्पायर करके वक्त उसको हम लोग एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, उसी तरह फिश भी ऑक्सीजन इंटेक कर रही है, ठीक है। तो इसलिए CO2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, बिलो 5 mg/L, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये था बात वाटर क्वालिटी का। अब हम लोग बात करेंगे सॉइल काइड क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर एक्वाकल्चर, सॉइल क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर बहुत एसेंशियल था एक्वाकल्चर करने के लिए, उसी तरह सॉइल भी बहुत एसेंशियल है, ठीक है। सॉइल इज ऑल्सो नेसेसरी पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर, ओके। तो हम लोगों ने देखा था बॉटम सॉइल का, ऑलरेडी हम लोगों ने बॉटम सॉइल के बारे में बात किया था हमने, ठीक है, कि उसमें अनडिजायरेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, पोरोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, बॉटम सॉइल में, ठीक। बॉटम सॉइल को केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द पॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपके जो केमिकल रिएक्शन है वो बॉटम सॉइल में ही हो रहा है, ठीक है। जो भी आपके पॉन्ड एनवायरनमेंट का जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन था वो भी बता दिया, ठीक है, और वो सल्फेट से सल्फाइड
सल्फेट से सल्फाइड बना था, सल्फाइड से सल्फर बना था एलिमेंटल सल्फर, और वो आयरन पाराइड से रिएक्ट हो रहा था। जो ऑर्गेनिक मैटर का जितना भी रिएक्शन है सब बॉटम सॉइल में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बॉटम सॉइल को केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जो भी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, सारी चीज़ बॉटम सॉइल में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड जो है वो उस डिपेंड करता है कि उसके यहाँ क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, देखिए। एक होता है सैंडी, फिर आता है क्लेई सॉइल, ठीक है, और लोमी, ठीक है। लोमी या फिर सिल्टी भी बोलते हैं, सिल्ट 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 से भी सिल्ट मिलके बना हुआ लोम, ठीक है। लोम बेसिकली सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो लोम बनता है, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले इज लोम, ओके। तो ये टेक्सचर डिटरमाइन करता है, ठीक है। और सॉइल का टेक्सचर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर का नॉलेज होगा तभी हम अपना पॉन्ड कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और जो आइडियल पॉन्ड सॉइल जो होना चाहिए वो ज़्यादा सैंडी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्ले भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्ले लोम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्ले लोम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए। सैंडी सॉइल जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट लीचिंग की टेंडेंसी होती है, मतलब कि न्यूट्रिएंट अंदर चला जाता है उसमें से, मतलब परकुलेट करता है, ठीक है। जबकि क्ले सॉइल क्या होता है, उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्ले सॉइल के पास है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्ले सॉइल जो होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जबकि जो सैंडी सॉइल है उसका पार्टिकल जो है बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें से वाटर परकुलेशन बहुत ईजी है, इसलिए न्यूट्रिएंट भी आसानी से परकुलेट कर जाता है। बल्कि जबकि क्ले सॉइल में ऐसा मुश्किल है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्ले लोम को बेस्ट सॉइल माना गया है, आइडियल पॉइंट सॉइल, ठीक है। उसके बाद कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है और इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब कि कटायंस को एक्सचेंज करना है हमें, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज करना है, ठीक है। कैसे पॉजिटिव आयंस, तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब जाके वहाँ कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी करने की जरूरत क्यों है, इसलिए जरूरत है क्योंकि पॉन्ड एनवायरमेंट में नीचे बॉटम सॉइल में नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिलोसिलिकेट सॉइल, फिलोसिलिकेट क्ले सॉइल जो होता है उसमें एल्यूमिनियम प्लस थ्री चार्जेस होता है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। उसमें फिलोसिलिकेट क्ले सॉइल के पास क्या होता है कि एल्यूमिनियम थ्री प्लस चार्जेस होते हैं, ठीक है, थ्री प्लस चार्जेस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसको हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं अगर Mg प्लस टू से, ठीक है, प्लस टू और प्लस थ्री, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेट एक नेगेटिव चार्ज बच जाता है, क्योंकि ये प्लस थ्री है प्लस टू है, ठीक है। एक चार्ज का नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है जब हम लोग इसको मैग्नीशियम से रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्यों होता है, तो बेसिकली जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ये यही है कि ये मिनरल्स आयंस का एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग ये कटायन एक्सचेंज से, जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे होते हैं तभी सॉइल का जो टेक्सचर है या उसकी प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती है। जैसे कि आपने सुना है महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाए जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं रेड सॉइल होता है कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो अलग अलग जो मेटल्स या जो आयंस हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। जैसे कहीं पे अगर आयरन एक्सचेंज कर रहा है तो वहाँ पे रेड सॉइल पाए जाएंगे, ठीक है, और दूसरा अगर कोई आयन एक्सचेंज कर रहा होगा तो वहाँ पे कोई अलग तरह का सॉइल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो कटायन एक्सचेंज है वो प्रॉपर्टी डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टी बताने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्ले सिल्ट सॉइल्स आर बेस्ट फॉर फिश पॉन्ड्स, ठीक है। सॉइल पोरोसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी है, ठीक है। हेल्प इन एरेशन, ठीक है, अगर सॉइल में एरेशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। हल्का सा अगर परकुलेशन होगा, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी सैंडी, ठीक है, लोमी सॉइल का क्या मतलब होता है कि सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है, तो थोड़ा सा सैंडी सॉइल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो वाटर वहाँ से परकुलेट करता है तो वहाँ पर एरेशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, परकुलेशन करता है, एडजॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। सब बातें हम लोग के लिए। अब बात करते हैं सॉइल एसिडिटी की, ठीक है। जैसे कि वाटर का पीएच जरूरी होता है मेंटेन करना एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट में, उसी तरह सॉइल का भी पीएच मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो आइडियल रेंज फॉर द सॉइल पीएच इज 6 to 8, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई भी अगर एसिड सल्फेट सॉइल होंगे, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स जिसकी बात हो गई थी, जिसमें आयरन पाए, जैसे आयरन सल्फाइड प्रेजेंट था, उसकी वजह से पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स कन्वर्ट कैसे हो रहा था, तो सल्फेट कन्वर्ट हो रहा था सल्फाइड में, सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा था सल्फर में, सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया था वो था डी सल्फो वाइब्रिक डी सल्फ्यूरिकेंस, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम था। ये कन्वर्ट कर रहा था उसको सल्फेट को सल्फाइड में, और सल्फाइड को सल्फर में एलिमेंट ऑक्सीजनेशन से वो कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, और फिर वो आयरन से रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, फेरिक से, और फिर वो
एरम पाइराइट फॉर्म कर ले रहा था, ठीक है। तो वाटर पासिंग ओवर, अब क्या होता है कि अब सॉइल एसिडिटी कैसे हो सकती है, तो सॉइल एसिडिटी ऐसे होगी कि देखिए अगर आपके सॉइल में ऐसे सल्फेट या सल्फर वाले सॉइल होंगे, ठीक है, तो जब ये वाटर इनके ऊपर पास करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वाटर के साथ एसिडिक सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आपके पॉन्ड का जो पी पॉन्ड वाटर का जो पीएच है वो कम होने लगेगा, ठीक है, यानी एसिडिक कंडीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये इस ऐसे पॉन्ड्स में फर्टिलाइजेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आपको ऐसे पॉन्ड में के लिए बेसिक फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इससे एसिडिक पॉन्ड में फर्टिलाइजर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब एसिड सल्फेट सॉइल ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, तो कैसे जगहों पर पाए जाते हैं, तो कोस्टल मैंग्रोव्स में, ठीक है, माइन स्पिल्स में, माइनिंग एरियाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऐसे इस तरह के सॉइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आयरन पायरेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पायरेट। फिर सेडमेंट कंटेनिंग पायरेट ऑन ऑक्सीडेशन रिलीजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है पायरेट का तो फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर देता है, वही सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर का पीएच डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं बॉटम सॉइल के ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो बॉटम सॉइल का ऑक्सीडेशन होना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ पे सस्पेंडेड है, उनको ऑक्सीडेशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज होंगे, और प्लस वहाँ पे एरेशन का हेल्प होने से वाटर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं द सर्फेस लेयर ऑफ द सॉइल मे स्टिल बिकम एनारोबिक इन इंटेंसिव फिश कल्चर ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सस्पेंडेड पटलमेंट, ठीक है। इसलिए देखिए ऑक्सीजनेशन होना जरूरी है, इसलिए जरूरी भी है क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो जाके वहाँ पे सेटल डाउन हुए हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आप ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, एरेशन नहीं होगा और वाटर सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे पॉन्ड वाटर के लिए, ठीक है, वो वहीं के वहीं सेटल डाउन रह जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से उसके ऊपर लेयर फॉर्म हो रहा है तो वो और उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वाटर सर्कुलेशन और एरेशन होने से ये फ़ायदा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पॉन्ड वाटर में अवेलेबल है, मतलब वो बेसिकली आपको फिश के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल रिएक्शन की, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके बॉटम सॉइल है वहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड का देख लिया था और आयरन पायरेट का फॉर्मेशन देख लिया था, तो वैसे ये सब तो खैर नेगेटिव रिएक्शंस थे, लेकिन ऐसे पॉजिटिव रिएक्शन हो रहे हैं जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। जब उन बैक्टीरियल एक्शन जब उनके ऊपर डिकम्पोज हो रहे हैं तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही यूज़फुल है पॉन्ड वाटर एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ पी एच इज़ टू लो स्ट्रांगली एसिडिक रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द की न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर एंड लोअर द पॉन्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर पी एच टू लो है तो उस वक्त पॉन्ड प्रोडक्टिविटी को लोअर कर देना चाहिए और रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द की न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को बेसिकली कम करना चाहिए उस ऐसे वक्त पे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो पॉन्ड सॉइल्स है जिसमें अगर 0.5% से कम ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट सॉइल्स जो होते हैं वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट सॉइल्स जिनका 0.5% से कम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, जो ऑर्गेनिक मैटर से सीधा रिलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो वैसे सॉइल्स जो होंगे वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट एनवायरमेंट अनप्रोडक्टिव होगा, ठीक है। 0.5 से लेकर के 1.5, ठीक है, या फिर 1.5 से 2.5% अगर है तो ये मीडियम प्रोडक्टिव या हाई प्रोडक्टिव रिस्पेक्टिवली होता है, ठीक है। और अगर 2.5% से ज़्यादा है, ठीक है, अब अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 2.5% से ज़्यादा चला गया तो अब ये हार्मफुल भी हो जाएगा। क्यों हार्मफुल होगा? क्योंकि फिर वही है कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो इस पर बैक्टीरियल एक्शन होगा, इसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, बीओडी बढ़ेगा, डीओ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए ऑप्टिमम लेवल जो इसका है वो 0.5 से 2.5% तक है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉन्ड एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और फॉस्फोरस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट माना गया है, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑफ द पॉन्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट रिलीज अगर बहुत फास्ट है तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो लेस देन 10 है, अगर मीडियम है तो 10 to 20 है, और न्यूट्रिएंट रिलीज मोर है तो मोर देन 20 है, ठीक है। सॉइल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10 to 15 इज कंसिडर फेवरेबल फॉर द एक्वाकल्चर, 10 to 15 है तो वो एक्वाकल्चर के लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। और 20:1 ये रेशियो फॉर गुड रिजल्ट है, लेकिन 10 to 10 and 15, ठीक है, सॉइल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बिटवीन 10 and 15 इज फेवरेबल फॉर द एक्वाकल्चर, ओके। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मेजर न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द फाइटोप्लैंक्टन उनके ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। जब फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होगा तभी तो बेसिकली हमारी जो फिश हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फीड मिल पाएगा फाइटोप्लैंक्टन के रूप में, ठीक है। ये हो गया, तो बेसिकली अब हम लोग कंक्लूजन पार्ट पे आ गए हैं। तो अगर हम
पीपड़ी को कंक्लूड करें तो ये बात होती है कि जो हमारे सॉइल और वाटर दोनों ही बहुत एसेंशियल सोर्स हैं एक्वाकल्चर के लिए, ठीक है, ये बेसिक ऑफ एक्वाकल्चर है, ठीक है। अगर हम सॉइल और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल कर लिए तो हमारा एक्वाकल्चर जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके पॉन्ड में जो भी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, या फिशेस के को जो भी स्ट्रेस आता है वो बेसिकली इन सॉइल और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में डिफरेंस की वजह से ही आता है, ठीक है। तो अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा एक्वाकल्चर इन्वायरमेंट जो है वो पक्का सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो कैसे सही करना है, तो हमें एक पहले सबसे पहले तो जो हमारी साइट है वो बेस्ट साइट सेलेक्ट करना होगा। बेस्ट साइट क्या होगा, तो जहाँ का सॉइल जो है वो पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए सही हो। कैसा सही होगा, तो वहाँ पे क्लेई लोम सॉइल प्रेजेंट हो, ठीक है। आप सॉइल का पीएच चेक कर लो उस जगह का, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उस सॉइल की, ठीक है। और वैसे जगह को चुनना चाहिए, या साइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, ठीक है। वाटर सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए ताकि वाटर पैरामीटर में ज़्यादा चेंजेस ना आ सके, ठीक है। और वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन थोड़ा कम रहे, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल पे हो, ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो वायरल ऑक्सीजन डिमांड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर छोटी छोटी चीज़ें जो अगर जो कुछ चेंजेस आते भी हैं तो उनको हम लोग लाइमिंग, फर्टिलाइजेशन और एरेशन करके सही भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल इस पीपीटी में यही था, ठीक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो थे कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, हम लोग देख लिया कि कटायन का एक्सचेंज करना था उसमें तो किस तरह से होता है वो भी समझ लिया गया है, ठीक है। और H2S का फॉर्मेशन देख लिया कि किस तरह से पॉन्ड में आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए एरेशन कर लीजिए तो H2S आपका एस्केप हो जाएगा क्योंकि वो गैस है, ठीक है। फिर हम लोग ने वो आयरन पायरेट का फॉर्मेशन देख लिया था, पायरेट कैसे हो रहा था, किस तरह से हार्म करता है, ठीक है, और कैसे बनता वो भी देख लिए थे, उसको भी रिमूव करने का देख लिया था हमने, ठीक है। तो ओवरऑल बात यही थी, जो ऑप्टिमम DO कंसंट्रेशन था वो 5 PPM है, ठीक है, 5 PPM या उससे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो 5 PPM से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।